मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदू सिता हमारा। ये लाइंस आज वाकई में सच होती नजर आ रही है। आज महाराष्ट्र के पातूर में कुछ गरीब मजदूर लोग जब यहाँ से पैदल गुजरे तो इनके खाने और पीने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन आज पातूर के सभी धर्म के लोग इंसानियत के नाते इन लोगों को खाना खिला रहे हैं। ये लोग इन मजदूरों को बिल्कुल नहीं जानते कि कौन कौन से धर्म से है, कौन कौन से समाज से है, कौन कौन सी जाति से है। इन सब बातों को अलग रखते हुए और अपनी जान की परवाह किए बगैर इन सब लोगों की सेवा में लगे, इन्हीं सब लोगों की वजह से आज हम कह सकते हैं कि दुनिया में इंसानियत कायम है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में आतंक मचा रखा है। लॉकडाउन के कारण तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान में काम करने वाले मजदूरों का पलायन जारी है। इस पलायन में हजारों मजदूर रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी गुहार सुनने के लिए तैयार नहीं। ये प्रवासी मजदूर इतने बेबस हैं कि इनके पाँव में छाले हैं, लेकिन ये चले जा रहे हैं। पलायन करने वाले मजदूरों को खाने और पीने के लिए रास्ते से कुछ भी उपलब्ध नहीं है, ना ही इनके पास कुछ खरीदने के लिए पैसे हैं। जाखो राखे साइयां, मार सके ना कोई, ये कहावत इन मजदूरों पर खूब जचती है, जिन्हें ना तो सरकार का सपोर्ट है और ना ही किसी धनवान का। सपोर्ट है तो सिर्फ अल्लाह और भगवान का। इनकी मदद के लिए पातूर की प्रशासन और कुछ नौजवान सामने आए। पातूर नगर परिषद, पातूर पुलिस स्टेशन, तहसील कार्यालय, प्राथमिक आरोग्य रुग्णालय इनकी सेवा में लग गए। सोने और खाने के लिए मजदूरों को एक हॉल में रखा गया। प्राथमिक आरोग्य केंद्र की ओर से इनकी जांच की जा रही है। प्रवासी मजदूरों की संख्या बहुत होने के कारण दिक्कतें आ रही थी। ऐसे में पातूर के युवा मसीहा बनकर मदद के लिए आगे आए और सड़क पर चलने वाले बेबस मजदूरों के लिए खाना मुहैया करा रहे हैं। ये मानवता की मिसाल है। कल निकला मैं अब तेलंगाना जाना, नांदेड़ के रूट पकड़ लेके। गवर्नमेंट की तो कोई मदद नहीं मिले, बस अच्छे बहुत। हम मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, बहुत लोग ऐसे खाना फूड अवेलेबिलिटी बहुत जने, मेरे को बहुत अच्छा लगा है महाराष्ट्र में। तो हम लोग तेलंगाना वाले, चाहे वो निजामुद्दीन हो या वैष्णव देवी मंदिर हो, सभी धर्म के लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह फंसे हुए हैं। कोरोना वायरस से सिर्फ हिंदू या मुसलमान को खतरा नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत को इससे खतरा है। बड़े शहरों से गांव और कस्बों की ओर पलायन तभी शुरू हो गया था जब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 24 मार्च 2020 की रात 8 बजे पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। लॉकडाउन के ऐलान में कहा गया कि यह रात 12 बजे से प्रभावी हो जाएगा। ऐसे में लोगों को खाने पीने की चीज़ें और दवाइयां लेने के लिए बमुश्किल कुछ घंटों का ही समय मिल पाया। इतना ही नहीं, सड़क से अति आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ड्राइवर और एम्बुलेंस के कामगारों को खाना खिलाया जा रहा है। इस कार्य में सभी जाति धर्म के लोग हिस्सा ले रहे हैं। इसमें अच्छे है ना ये खाने के लिए। और क्या है? बराबर। हमारे यहाँ पर जो यहाँ पर बस स्टैंड पर जो गरीब लोग हैं, जो रहते हैं, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए भी खाना हम बना के खिला रहे हैं उनको। और जो सभी समाज के इसमें लोग हिस्सा ले रहे हैं, सभी समाज के लोग खाना भी बना रहे हैं, दे रहे हैं। और हम सब लोग यही चाहते हैं कि कोई भूखा ना रहे। कोरोना के डर पर पातूर में आज इंसानियत भारी पड़ रही है। नौजवान जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये जो उपक्रम है ये अच्छा है, और सही वक्त पर देशभक्ति दिखाने का भी वक्त आया है। और सच्ची देशभक्ति यही है कि जो आप लोग उपेक्षित लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसी के साथ पातूर प्रशासन ने देर रात तक कुछ प्रवासी मजदूरों को गाड़ी सुविधा उपलब्ध कराकर इंसानियत दिखाई है।
ये नौजवान जो कि इन लाचार मजदूरों की मदद कर रहे हैं, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और आप सभी से भी गुजारिश है कि अपने घर में ही रहे और इस कोरोना की जंग में हिस्सा लीजिए। स्टे होम एंड स्टे सेफ। और साथ ही साथ अपना तो ख्याल रखिए ही, और उन लोगों का भी ख्याल रखिए जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। हमारी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।